इसके साथ साथ ये जो सरकार झूठे वायदे करके आई थी, ये अपने वायदे में असफल रही। और आज जो देश की स्थिति है, यदि राष्ट्र में देखें, इसलिए देश की बात करना कि जब कांग्रेस बात करती है तो ध्यान आता है राजस्थान में जो एक दूसरे के ऊपर इनका उछालने का, कीचड़ उछालने का काम चल रहा है, इसमें कोई दूसरी पार्टियां नहीं है, खुद ही इन्हीं के लोग हैं, इनको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, खुद ही भर भरा करके गिरने वाले हैं। और इनका भारत जोड़ने का नहीं, भारत तोड़ने का यात्रा में काम चल रहा है। तो कुल मिला करके आज जो अखिल भारतीय कांग्रेस थी वो केवल दो प्रदेश में इसीलिए सिकुड़ करके रह गई, क्यों? झूठे वायदे कर। यूपी गए, झूठे वायदे करके आए, आसाम गए, उत्तराखंड गए, इनका छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया दूसरे प्रदेश में। तो इस प्रकार से और यहाँ भी आने वाले समय में बस्तर में 12 विधानसभा में हम सभी सीटें जीतेंगे। हमारे सातों जिले में हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है, माननीय नड्डा जी के प्रवास के बाद और इसमें बढ़ोतरी हुई है। यही आप सबके बीच में प्रथम भेंट मुलाकात में बात मुझे। अभी जिस तरह से सरकार हाईकोर्ट में आरक्षण मुद्दे पर, हाँ, आरक्षण के मुद्दे पर जिस प्रकार से आए और अन्य विषयों में, तो बड़े बड़े वकील एडवोकेट बाहर से बुला करके महंगे एडवोकेट की व्यवस्था, 25 लाख लेने वाले, किंतु जब हमारे वनवासी, आदिवासी, गिरिजनवासी, जंगल में, गुफाओं में रहने वाले, इनकी चिंता नहीं की गई, उनके लिए महंगे वकील नहीं लाए गए। जो लगभग, मैं तो ये कहूंगा कि जो आरक्षण में इनके साथ धोखा हुआ है, आने वाले समय में यह बीजापुर के, सुकमा, दंतेवाड़ा, पूरे बस्तर के और आदिवासी समय का इंतजार कर रहे हैं, इसका भरपाई करें। सर, उसूर क्षेत्र में एक आदिवासी के पैर में गोली लगता है सर, वो आदिवासी भाजपा ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है, वहां जाकर उनका समर्थन करती है कि यह निर्दोष आदिवासी के ऊपर गोली मारा गया, ऐसा बताते हैं, क्या बात है सर इस पे? इसकी जानकारी के बाद मैं चर्चा करूंगा, हल्की बातचीत आई थी किंतु मुझे पूर्ण जानकारी नहीं।